करीना स्कूल बस हादसे के बाद जिला प्रशासन या फिर यूं कहें प्रदेश सरकार आपके बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के तमाम इंतजाम करने में लगी है, और इसी के चलते जिला प्रशासन ने जिले भर के तमाम वो स्कूल जो कि बसों के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, बसों के द्वारा स्कूली बच्चों को यहाँ से वहाँ लाया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर टीमें लगाई थी। जिला प्रशासन ने तमाम स्कूली बसों को चेक करने का अभियान छेड़ रखा है, जिसमें तकरीबन 537 स्कूल शामिल हैं, और भी वे स्कूल शामिल हैं जो बच्चों को स्कूली वैन में या फिर ऑटो के ज़रिए भेड़ बकरियों के ज़रिए उनमें भरते हैं और यहाँ से वहाँ छोड़ने का काम करते हैं और गाहे बघाए हादसों का शिकार होते रहते हैं। ऐसी तमाम बसों को आज जिला प्रशासन के द्वारा चेक किया गया। ये लेडी फ्लोरेंस स्कूल की बसें आप देख रहे हैं, इनमें तकरीबन ये चेकिंग की गई थी। इसके अलावा तमाम स्कूलों की बसों में चेकिंग की गई थी, और इन स्कूलों में ये भी पाया कि जो मानक तय किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, उन पर ये बसें पूरी तरह से खरी नहीं उतरती। कई बसों के सीसीटीवी फुटेज खराब थे, कई बसों में स्पीड गवर्नर काम नहीं कर रहे थे, या फिर और भी जो मानक तय किए जाते हैं स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए, वो कहीं ना कहीं नाकाफी इंतज़ाम थे, जिनके चलते जिला प्रशासन ने ऐसी तमाम बसों के कल भी 11 बसों को इंपाउंड किया था, और आज भी ये सघन चेकिंग लगातार जारी है। जिला उपायुक्त की माने तो किसी भी सूरत में ऐसे तमाम स्कूल संचालकों को बख्शा नहीं जाएगा जो बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते आ रहे हैं। हालांकि ये मॉनिटरिंग 2016 में जो स्कूल में हादसा, निजी स्कूल में जो बच्चे की हत्या हुई थी, उसके बाद से अमल में लाई जा रही है, लेकिन चूंकि 11 तारीख को कनीना में स्कूली बस हादसे के अंदर जिस तरह से 6 बच्चों की मौत हुई थी, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, उनमें 2 बच्चे काफ़ी गंभीर हैं जिन्हें कि गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसके बाद ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। ये वो तमाम बसें हैं जो जिले भर के स्कूलों से यहाँ पे इकट्ठा की गई थी, और ऐसे 4-5 स्थानों को चिन्हित किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, जिसमें एक स्थान यह मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने है, एक स्थान ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, एक स्थान लेजर वैली पार्क है, पटोदी में ऐसे स्थान हैं, फरुख नगर में ऐसे स्थान हैं, जहाँ पे सोहना में ऐसे स्थान हैं जहाँ पे ये तमाम निजी बसों को चेक किया जा रहा है, और कैसे व्यवस्था को बेहतर किया जाए इसको लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है। जिला उपायुक्त की तरफ से तमाम अधिकारी गण इसके ऊपर चिंतन मंथन करने में लगे हैं, और ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि आपकी बच्चों को स्कूली बसों के माध्यम से उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।